क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और आज का दिन भी शानदार बीत रहा होगा। मैं हूं आपका अपना मिकी और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमेशा से ही सबके लिए बड़ा ही दिलचस्प और कभी कभी कंफ्यूजिंग भी रहा है। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं लड़कियों के बारे में। लड़कियों का स्वभाव, उनकी सोच और उनके व्यवहार को समझना हमेशा से ही एक चुनौती रहा है। जोक सपाट, आज हम जानेंगे लड़कियों की भावनाएं और उनके रिएक्शंस कई बार हमें हैरान कर देते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है जो लड़कियों को इतना यूनिक बनाता है। आज हम जानेंगे कि लड़कियों के बारे में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं जो उन्हें इतना खास बनाते हैं। सबसे पहले, क्या आप जानते हैं कि लड़कियां अक्सर मल्टीटास्किंग में माहिर होती हैं? जी हाँ, लड़कियां एक ही समय में कई काम कर सकती हैं और वो भी बिना किसी परेशानी के। इसके अलावा लड़कियों की इमोशनल इंटेलिजेंस भी काफी हाई होती है। वो अपने और दूसरों के इमोशंस को बेहतर तरीके से समझ पाती हैं। और हाँ, लड़कियों का सिक्स्थ सेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। वो अक्सर चीजों को पहले ही भांप लेती हैं, जो कई बार हमें हैरान कर देता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मजेदार और रोचक तथ्य लड़कियों के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। यार, ये बात तो माननी पड़ेगी कि लड़कियों के पास एक अलग ही लेवल की छठी इंद्री होती है। उनकी यह छठी इंद्री उन्हें एक खास तरह की समझ देती है जो शायद हम लड़कों के पास नहीं होती। जब बात इमोशंस को समझने की आती है तो लड़कियां एकदम प्रो निकलती हैं। वो न सिर्फ अपने इमोशंस को अच्छे से समझती हैं, बल्कि दूसरों के इमोशंस को भी बखूबी पहचान लेती हैं। सामने वाला क्या फील कर रहा है, वो कैसे छुपा रहा है, सब समझ जाती हैं। उनकी यह समझदारी उन्हें एक खास तरह की ताकत देती है, जिससे वो किसी भी स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल पाती हैं। हम लड़के तो बस हाँ ठीक हूँ या नहीं, कुछ नहीं हुआ में ही उलझे रह जाते हैं। हम अक्सर अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़कियां हमारी इस कोशिश को भी भांप लेती हैं। लेकिन लड़कियां, वो तो बस एक नजर देखकर ही बता देती हैं कि असली मामला क्या है। उनकी यह छठी इंद्री उन्हें एक खास तरह की समझ देती है, जिससे वो किसी भी स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल पाती हैं। शायद यही वजह है कि वो हमारी हर बात समझ जाती हैं, इवन व्हेन वी डोंट से अ वर्ड। उनकी यह समझदारी और संवेदनशीलता उन्हें एक खास तरह की ताकत देती है, जिससे वो किसी भी स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल पाती हैं। लड़कियों की यह छठी इंद्री उन्हें एक खास तरह की समझ देती है, जो शायद हम लड़कों के पास नहीं होती। यही वजह है कि वो हमारी हर बात समझ जाती हैं, इवन व्हेन वी डोंट से अ वर्ड। अब मानो या ना मानो, लेकिन लड़कियों की याददाश्त हाथी से भी तेज होती है। वो हर छोटी बड़ी बात याद रखती हैं, चाहे वो कोई पुरानी डायरी हो या कोई यादों का बॉक्स, हर चीज उनके दिमाग में ताजा रहती है। कब क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्या पहना था, सब कुछ। और ये सिर्फ बातें ही नहीं, बल्कि वो हर छोटी बड़ी चीजें भी याद रखती हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं। हम तो भूल जाते हैं कि कल हमने खाना क्या खाया था, और ये कियों की भी की डीपी।
लड़कियां कभी नहीं भूलती। उनकी याददाश्त का कमाल ही कुछ ऐसा है और यही उन्हें खास बनाता है। उनकी याददाश्त का ये कमाल ही है जो उन्हें हर रिश्ते में इतना मजबूत और खास बनाता है। वो हर पल को संजो कर रखती हैं, हर रिश्ते को दिल से निभाती हैं, और यही वजह है कि उनकी याददाश्त का ये कमाल हमें हमेशा हैरान करता है। तो अगली बार जब आप किसी लड़की से मिलें तो उसकी याददाश्त का कमाल जरूर याद रखें। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह है जिसमें उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, लेकिन स्टडीज बताते हैं कि लड़कियों को एंजाइटी और स्ट्रेस का सामना ज्यादा करना पड़ता है। इसकी कई वजहें हो सकती हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, पीयर प्रेशर या फिर हॉर्मोन्स। पर हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, बल्कि ये तो दिखाता है कि वो कितनी स्ट्रांगली इन सब चैलेंजेस का सामना करती हैं हर दिन। चैप्टर 4, तू है तो मैं हूं। रिश्तों की डोर लड़कियों के लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या फिर प्यार। लड़कियां हमेशा अपने रिश्तों को बहुत डीपली वैल्यू करती हैं। उनके लिए इमोशनल कनेक्शन बहुत जरूरी होती है। वो ऐसे रिश्ते चाहती हैं जहां वो अपने दिल की बात खुलकर कह सकें, प्यार बांट सकें और सपोर्ट पा सकें। चैप्टर 5, दिल की आवाज, लड़कियां और एम्पथी। अगर किसी को रोते हुए देखकर आपका भी दिल पिघल जाता है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। लड़कियों में एम्पथी का लेवल बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं और खुद को उनकी जगह रखकर सोच सकती हैं। शायद यही वजह है कि वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। चैप्टर 6, अरे ये भी करना है, मल्टीटास्किंग क्वींस। यार, ये लड़कियां तो मल्टीटास्किंग में माहिर होती हैं। एक साथ कितने सारे काम कर सकती हैं, देखकर तो हमारी तो हवा ही टाइट हो जाती है। खाना बनाना, फोन पर बात करना, बच्चों को संभालना और साथ ही साथ काम भी। ये सब कैसे मैनेज कर लेती हैं, ये तो बस वही जानती हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हर किसी को अप्रिशिएशन पसंद होती है और लड़कियां भी इससे अलग नहीं हैं। लेकिन कई बार लड़कियां दूसरों से वैलिडेशन की तलाश में रहती हैं, चाहे वो उनके लुक्स के बारे में हो, उनके काम के बारे में हो या फिर उनके डिसीजंस के बारे में हो। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे लड़कियां पहेलियों में बात करती हैं। सीधा सीधा कहने की बजाय वो हिंट्स देती हैं, इशारे करती हैं, और हम बेचारे समझ ही नहीं पाते कि आखिर वो कहना क्या चाहती हैं। लेकिन यकीन मानिए, इसके पीछे भी उनकी एक सोच होती है। आज के समय में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन स्टडीज बताते हैं कि लड़कियों पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। बॉडी इमेज इश्यूज, साइबर बुलिंग, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सब चीजें लड़कियों के मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालती हैं। लड़कियां सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की परवाह भी करती हैं। वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, चाहे वो कोई भी हो। चाहे किसी की मदद करना हो, चैरिटी करना हो या फिर समाज के लिए कुछ अच्छा करना हो, लड़कियां हमेशा आगे रहती हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स लड़कियों के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।